नमस्कार, मैं अलका। सुनते हैं आज 22 मार्च के दिन भर की खबरें। अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र में आज दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। दोनों पक्षों में करीबन एक दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं। सभी को CHC बीकापुर उपचार के लिए भेज दिया गया है। लखनऊ में बसपा ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची, यानी जिसमें 11 उम्मीदवार हैं, जारी कर दी है। अयोध्या के साकेतपुर कॉलोनी में एक युवक ने पंखे में लटककर अपनी जान दे दी है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से भाजपा ने उम्मीदवार महेश शर्मा को अपना प्रत्याशी चुन लिया है। उन्होंने अपना नामांकन आज भर दिया है। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर BJP में शामिल हो चुके हैं। वह नई दिल्ली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर यहां उनके उच्चायोग में होने वाले कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इस कार्यक्रम में कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को भी आमंत्रित किया है, जिसके कारण से ये फैसला लिया गया है। अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा की हालिया फिल्म केसरी ऑनलाइन लीक हो गई है। यह फिल्म अपने रिलीज होने से पहले ही पायरेसी का शिकार हो चुकी है। ये थी दिन भर की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।